खबर राजधानी से, जहां राष्ट्रीय खेल दिवस के उपलक्ष्य में स्कूल शिक्षा परिषद और कॉलेज शिक्षा परिषद के अधिकारियों की खेल प्रतियोगिता आयोजित की गई। प्रतियोगिता का आयोजन राजस्थान विश्वविद्यालय के स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में किया गया और जिसका शुभारंभ उच्च शिक्षा मंत्री भंवर सिंह भाटी ने किया। वहीं प्रतियोगिता में स्कूल और कॉलेज शिक्षा विभाग के आयुक्त प्रदीप कुमार बोरड़, कुलपति आर के कोठारी और उच्च अधिकारी मौजूद रहे। प्रतियोगिता में बैडमिंटन, टेनिस, वॉलीबॉल सहित अन्य इंडोर खेलों का आयोजन किया गया। देखिए, आज राष्ट्रीय खेल दिवस है। हमारे हॉकी के विश्व प्रसिद्ध खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद जी का आज जन्म दिवस है और इस दिवस को हम पूरे देश में खेल दिवस के रूप में मनाते हैं। आज राजस्थान विश्वविद्यालय के प्रांगण में शिक्षा संकुल परिवार के द्वारा, हायर एजुकेशन विभाग और प्रारंभिक और माध्यमिक शिक्षा विभाग के द्वारा उनकी संयुक्त दिन भर के कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे और निश्चित रूप से खेलों का हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा महत्व है और खेल दिवस के अवसर पर आयोजित किया जा रहा है तो इसका महत्व और भी ज़्यादा बन जाता है। हॉकी के जादूगर के रूप में उनकी पहचान थी और मेजर ध्यानचंद जी ने हमारे देश की ख्याति पूरी दुनिया में फैलाई। मैं सबसे पहले तो कॉलेज शिक्षा आयुक्त प्रदीप बोरड़ जी का बहुत आभार साधुवाद देता हूं कि उन्होंने स्पोर्ट्स डे के दिन मेजर ध्यानचंद जी के जन्मदिन पे ये आयोजन किया है यहाँ पे, और कॉलेज शिक्षा और स्कूल शिक्षा की जो चयनित टीमें हैं वो इसमें भाग ले रही हैं और राजस्थान विश्वविद्यालय के प्रांगण में हो रहा है तो मुझे इससे बहुत खुशी है। और जैसे कि आप जानते हैं कि मेजर ध्यानचंद जी हॉकी के जादूगर थे और हिटलर जब उनका खेल देख रहे थे तो उनको बड़ा ये लगा कि इनकी हॉकी में चुंबक है। उन्होंने उनकी स्टिक की जांच भी करवाई कि जांच करो कि इसमें चुंबक तो नहीं लगी हुई है। तो मेजर ध्यानचंद जी के जन्मदिन पे जो आयोजन किया गया, इसके लिए मैं बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ।